हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों, क्या आपके भी ग्राम पंचायत की खतौनी नहीं निकल पा रही है? क्या आपके भी ग्राम पंचायत की खतौनी रियल टाइम खतौनी में कन्वर्ट हो चुकी है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने ग्राम पंचायत की खतौनी को कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके ग्राम पंचायत की खतौनी रियल टाइम खतौनी में कन्वर्ट हो गई है तो उस रियल टाइम खतौनी को आप कैसे दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। और दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी प्रकार की नई से नई वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन और इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में, एंड उसके बाद उसको आपको यहाँ पर टाइप करना होगा भूलेख। जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे भूलेख, उसके बाद आपको क्लिक कर देना है इस वेबसाइट पर। फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आएंगे ubhulekh.gov.in, आपको इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आता है। पहले क्या था दोस्तों, आप अपने जनपद को चुनते थे, तहसील को चुनते थे, ग्राम को चुनते थे, उसके बाद आपकी जो खतौनी है निकल आती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर आपकी ग्राम पंचायत की खतौनी रियल टाइम खतौनी में कन्वर्ट हो गई है तो अब ये ऐसे निकलने वाली नहीं है। दोस्तों, आपको कैसे करके निकालना है आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो लाल रंग से लिखा हुआ है, जिन ग्राम की वर्तमान खतौनी नहीं दिख रही है उन ग्रामों को ये रियल टाइम खतौनी देखी जा सकती है। जिस ग्राम की खतौनी रियल टाइम खतौनी में कन्वर्ट हो गई है उसका डिटेल आप रियल टाइम खतौनी डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है रियल टाइम खतौनी लाल रंग से, तो आपको क्या करना है, इसी पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करते हैं तो ये जो पेज है नेक्स्ट ओपन होकर आता है, नया डैशबोर्ड रियल टाइम खतौनी उत्तर प्रदेश का। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि राजस्व ग्राम कितने हैं, चकबंदी ग्राम सर्वे कितनी है, गलत ग्राम फसली कितने हैं, रूपांतरण ग्राम खतौनी कितनी है, और वर्तमान में जो ग्राम की खतौनी, ये सारी डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इस डेटा से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपनी ग्राम पंचायत खतौनी को निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे ऊपर आपको आना है और यहाँ पर आपको मिलता है ये जो डैशबोर्ड है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा रियल टाइम खतौनी उत्तर प्रदेश, तो आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रियल टाइम खतौनी उत्तर प्रदेश, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो इंटरफेस है ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिलता है उत्तर प्रदेश भूलेख खतौनी, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन इस तरीके से करते हुए आना है। तो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है इस तरीके का, खतौनी रियल टाइम खतौनी देखें, तो और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर मिलता है रियल टाइम खतौनी की नकल देखें, आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, आपसे एक कैप्चा कोड पूछा जाता है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इस कैप्चा कोड को दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस कैप्चा कोड को ही फिल कर लेते हैं, आगे उसके बाद आपको स्क्रीन पर सारा कुछ दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कैप्चा सेम दिया गया है उसी तरीके से आपको इस कैप्चा को फिल करना है। हम सेम कैप्चा को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो कैप्चा है यहाँ पर फिल हो चुका है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो रियल टाइम खतौनी का जो डैशबोर्ड है वो सेम तरीके से यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी जनपद को चूज करना है, एंड उसके बाद आपको तहसील को चूज करना है। तो जो भी दोस्तों आपकी जनपद है आपको यहाँ से अपनी जनपद को चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी जो तहसील है उसको यहाँ से चूज कर लेना है। मैं यहाँ पर एक तहसील को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने ग्राम को यहाँ से चूज कर लेना है, जो भी आपके यहाँ पर ग्राम पंचायत लगती है उस ग्राम पंचायत को यहाँ से चूज़ कर लेना है। जैसे आप अपनी ग्राम पंचायत को चूज़ करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन आते हैं, इसमें दोस्तों आपका पांचवा ऑप्शन भी जोड़ दिया गया है। सबसे पहला जो ऑप्शन है खाता यानी दोस्तों खसरा और घाटा संख्या द्वारा, खाता संख्या द्वारा, खातेदार के नाम के द्वारा, भूमि श्रेणी द्वारा और नामांतरण दिनांक के द्वारा। तो हमें क्या करना है, अपने नाम के द्वारा खोजना है, तो हम नाम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अपने जो नाम के कुछ अक्षर हैं पहले के वो हमें यहाँ पर फिल करने होते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक कर देते हैं, अपने खातेदार के नाम के द्वारा खोजें। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डालने को जाता है नाम के कुछ अक्षर भरें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इस तरीके से नाम के जो कुछ अक्षर हैं यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद खोजे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप खोजे वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे इस नाम से जो भी दोस्त लोग हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे वन बाई वन। आप क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है, जो भी आपका नाम है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर एक नाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिलता है उद्धरण देखे है ग्रीन से, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आता है। कैप्चा आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है, और उसके बाद
कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी कैप्चा है उसको फिल कर लेते हैं और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। कैप्चा दोस्तों हमने फिल कर लिया, हम दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू वाला जो बटन है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो खतौनी है ओपन होकर आ जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें अपना जो ग्राम का कोड है वो यहाँ पर मिल जाता है, हमारे गांव का परगना कहाँ लगता है वो यहाँ पर मिल जाता है, तहसील क्या है वो यहाँ पर मिल जाती है, जनपद क्या है वो यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर खतौनी जो रियल टाइम खतौनी में अपडेट हुई है उसका दोस्तों यहाँ पर नया क्या है नया भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको खतरा संख्या मिल जाता है, इसमें दोस्तों खतौनी में कितने लोग हैं इसमें उनके सारे नाम मिल जाते हैं, बर्थ कौन सी वो यहाँ पर मिल जाती है, गाटा नंबर और यूनिक कोड उसका वो यहाँ पर मिल जाता है। पीएम किसान योजना में यही दोस्तों यूनिक कोड पड़ता है जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, घाटे का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर मिल जाता है और दोस्तों इसके बाद घाटे में क्षेत्रफल की हिस्सेदारी ये दोस्तों कुछ नया यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं इधर स्लाइड कर देता हूँ, यहाँ पर दिया गया है कि वन यानी वन नंबर जो व्यक्ति है उसकी हिस्सेदारी इसमें कितनी है, इस खाते में से जो भी हिस्सेदारी वो यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार से जो सेकेंड नंबर पर जो व्यक्ति है उसकी सेकेंड नंबर की हिस्सेदारी कितनी है वो यहाँ पर इस तरीके से दी गई। ये दोस्तों कुछ नया इसमें अपडेट हुआ है और सही हुआ है, क्योंकि तो दोस्तों जब भी यहाँ पर पूरा रकबा होता है तो दोस्तों उसमें निकालने में जो हिस्सेदारी होती है वो निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है चाहे आप कहीं भी यूज़ करते हो, लेकिन दोस्तों आप जो नया अपडेट किया है उसमें दोस्तों पूरा हिस्सा वन बाई वन हर व्यक्ति का हिस्सा यहाँ पर जो क्षेत्रफल नंबर कालम नंबर 8 में दिया गया है, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर जितने व्यक्ति हैं उनका हिस्सा जितना भी है वो यहाँ पर वन बाई वन इस तरीके से दिया गया है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारी अपडेशन हुआ है अपडेट हुआ है, तो ये अच्छा अपडेट हुआ है जिससे दोस्तों आपने अपनी खतौनी को अच्छे तरीके से और भी रीड कर पाएंगे और निकाल पाएंगे। उसके बाद दोस्तों और ही बता दूं, और थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा कुछ इस तरीके से एक ऑप्शन, इसमें दोस्तों आपका जो भी भूमि से संबंधित जो विचाराधीन राजस्व विवाद है उसके साथ साथ दोस्तों जो भी आपके यहाँ पर आदेश हैं वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इनका जो आदेश है वो यहाँ पर चढ़ा हुआ है कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों जो भी खतौनी में अपडेट होता है जैसे कि विरासत होती है आदेश आते हैं वो भी यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर नीचे मिल जाते हैं। तो आशा करता हूँ इस पर इस तरीके से आप अपनी खतौनी को निकाल पाएंगे। चाहे दोस्तों आप अपनी आपके ग्राम पंचायत की जो खतौनी है वो रियल टाइम अपडेट हुई हो या फिर नहीं हो, अगर हो गई होगी तब भी दोस्तों आप यहीं से ऐसे तरीके से निकाल सकते हैं, और नई भी होगी होगी तो भी दोस्तों आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे आप किस प्रकार से अपनी जो रियल टाइम खतौनी है उसको निकाल सकते हैं, अपना क्षेत्रफल कितना है वो देख सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों आप अपनी खतौनी को प्रिंट करके कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगर आप इसी प्रकार की नई से नई वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तभी दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको पूरी नॉलेज मिलती है तभी सब्सक्राइब कीजिए। ये फोर्स नहीं करूँगा कि आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो नॉलेजफुल मिली हो तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप दोस्तों सब्सक्राइब मत कीजिए। तो बस दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।